हेलो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने सबसे पहले कटहल को अच्छी तरह काट लिया है, इसका बीच वाला भाग भी निकाल दिया और छिलके भी निकाल दिए हैं। और कुकर में पानी डालकर इसके नमक हल्दी डालकर एक सीटी लगा देंगे। ये देखिए, ये कटहल आधा पक गया, अभी ये पूरा नहीं पका है। अभी हम ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, अभी एक ही सीटी लगाएंगे और इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम मसाला रेडी करेंगे। तेल में फ़ोरन लेंगे, प्याज टमाटर भुनेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा धनिया, गोल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, यही जो डेली मसाले पड़ते हैं सब्ज़ी में वही मसाला डाला है। मसाला रेडी हो गया है, अब ये कटहल डालकर फ्राई करेंगे। एक आलू भी मैंने काट कर डाला है इसमें। और जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो इसमें पानी डालकर अब हम इसमें एक सीटी और लगा देंगे। तब ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और अच्छी तरह पक भी जाती है और कटहल का टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखिए, ये सब्ज़ी रेडी है। अब इसे हम धनिया पत्ते से सजा लेंगे और आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए, आप इस तरह ज़रूर बनाएं, पहले एक सीटी लगाएं और मसाला भूनने के बाद फिर एक सीटी लगाएं तो सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बीज वाला भाग तो आप ज़रूर से ज़रूर निकाल दें, बहुत लोग बीज वाला भाग निकालते नहीं हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह पकी हुई है। तो आप इस तरह ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।